बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस नरेंद्र मोदी को लेकर बीजेपी से दूरी बढ़ाई, शनिवार को पटना में वह उनके साथ मंच साझा कर रहे थे। मौका था केंद्र सरकार की ओर से कई योजनाओं के शुभारंभ का। ऐसे में दोनों के लिए मौका भी था और दस्तूर भी। दोनों के भाषण में इसकी साफ झलक दिखी। नीतीश जहां केंद्र की योजनाओं में अपना हिस्सा गिनाते और नई मांग रखते दिखे, वहीं मोदी भी नहले पे दहला मारने के स्टाइल में नीतीश की हर बात को जवाब देते दिखे गए। आईपीएल सीजन 6 में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने राजस्थान रॉयल्स के एस श्रीसंत समेत तीनों आरोपी क्रिकेटरों को बरी कर दिया है। श्रीसंत, अंकित चौहान और अजीत चंदीला तीनों ही क्रिकेटरों को मकोका के आरोप से मुक्त कर दिया गया है। हालांकि कोर्ट के फैसले के बाद बीसीसीआई ने इन खिलाड़ियों को बड़ा झटका दिया। बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि इन खिलाड़ियों पर आजीवन प्रतिबंध लगा रहेगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पूर्व आईपीएल प्रमुख ललित मोदी की मदद करने के आरोपों से शनिवार को यह कहते हुए खुद का बचाव किया कि उन्होंने कभी मोदी के लिए यात्रा दस्तावेजों का अनुरोध या सिफारिश नहीं की। एसीबी को लेकर अब तक अरविंद केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच विवाद चल रहा था। अब इसमें एसीबी प्रमुख मुकेश मीणा के जबरदस्त एंट्री ने नया मोड़ ले लिया है। अब एसीबी प्रमुख ने दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च की गई हेल्पलाइन नंबर 1031 के टेंडर की प्रक्रिया की जांच के आदेश दे दिए हैं। एयरलाइंस कंपनी अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए तरह तरह की योजनाएं बना रही हैं। इसी प्रक्रिया में पहले जेट एयरवेज ने अपने किराए में 50% कटौती की और अब जेट एयरवेज अपने पैसेंजर्स को वीकेंड स्पेशल पैकेज दे रही है। यह पैकेज डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों फ्लाइट्स के लिए होगा। बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर ने सलमान खान की बजरंगी भाईजान की तारीफ करते हुए कहा कि वह सलमान की एक्टिंग को देखकर रो पड़े। ऋषि ने कबीर खान डायरेक्टेड इस फिल्म की तारीफ में ट्वीट किए। उन्होंने ट्वीट किया कि बजरंगी भाईजान बेहतरीन फिल्म है। सलमान, आपने मेरी आंखें नम कर दी। आप बेहतरीन कलाकार हैं। लंबे समय बाद एक अच्छी फिल्म देखने को मिली। भारतीय स्मार्टफोन कंपनी लावा ने अपने फ्लेयर P1 और फ्लेयर F1 के लॉन्च के बाद लावा ने अपनी नई सीरीज में एक नया स्मार्टफोन लावा फ्लेयर Z1 लॉन्च किया है। इस मोबाइल में 5 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। यह फोन 1.3 GHz क्वाड कोर प्रोसेसर पर कार्य करता है। फोन में फोटोग्राफी के लिए 5 मेगापिक्सल रियर और 2 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा दिया गया है।